पिचकारी की धार हो, गुलाल की बौछार हो, अपनों का प्यार हो, यही है होली का त्योहार। नमस्कार, मैं साक्षी इंडिया 24x7 लाइव टीवी से। आज हम लेकर आए हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी की ये खास पेशकश। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इन हवाओं में रंग और गुलाल भी बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रंग और गुलाल आपसी प्रेम और सौहार्द को दिखाते हैं और आज इसी होली के पावन पर्व पर इस प्रेम और सौहार्द को और इस होली के विषय को अच्छी तरह से समझने और समझाने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मधुमिता जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम हो, सौहार्द हो, मिलन की बात हो, कुछ पुरानी यादों के साथ नई बातों की तलाश हो, आप सभी के चेहरों पर इस पर्व पर मुस्कान हो, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी मधुमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप यहाँ हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो मधुमिता जी, जैसे कि हम होली के विषय पर आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो जैसे कि आजकल की जो होली है, मतलब बच्चे हो गए मोबाइल फोन में ही रहते हैं, होली की एक बधाई जो एक दूसरे को दे देते हैं, पर जो होली का असल जो मतलब है वो क्या आज वही होली का मतलब रह गया है कि आज बदलती हुई इस दुनिया की रफ्तार में होली का भी मतलब कहीं ना कहीं बस रंगों तक ही सीमित रह गया? क्या लगता है आपको इस बारे में? हाँ, सही बोलिए साक्षी जी। जो ये त्योहार है, होली का त्योहार खुशियों और रंगों का त्योहार है। क्या होता था कि जब हम लोग बचपन में थे, अपने बचपन में, तो हम लोगों को इस त्योहार पर एक अलग सी खुशी मिलती थी। तब क्योंकि ऐसा था कि तब हमारे हाथों में मोबाइल नहीं था, मोबाइल नाम की चीज ही नहीं थी, तो लोग लोगों से मिलते थे, बात करते थे, पूरा टाइम लोगों के साथ स्पेंड होता था। लेकिन आज के समय में क्या है कि लोग सिर्फ रंग, सिर्फ नाम के तौर पर फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है और लोग ज्यादा मिलते नहीं है, क्योंकि मोबाइल से लोगों को फुर्सत ही नहीं है। कोई फोन पर बात कर रहा है, कोई ऑनलाइन बात कर रहा है, या फिर चैटिंग हो रही है, लोगों से बात नहीं करते। हम लोग के टाइम पर क्या था, हम लोग, हमारी जो सहेलियां होती थी, हमारे जो पेरेंट्स होते थे, गेस्ट भी आते थे। अब तो देखा जाता गेस्ट भी नहीं आते हैं, आसपास के लोग भी बहुत ही रेयर केस पे आते हैं। तो मधुमिता जी, तो मतलब इस तरीके से ही कहा जा सकता है कि होली के जो मायने थे वो आज की बदलती दुनिया में भी कहीं ना कहीं बदल गए हैं। मतलब लोग व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे को मैसेजेस के जरिए बधाई दे रहे हैं, और फिर जो होली की जो कहानियां थी होली पे, होलिका को लेकर जो कहानियां, होलिका दहन को लेकर, होली रंगों का त्योहार है, बस ये रंगों तक ही सीमित हो गई है। तो इस पर मतलब ये किस तरीके से इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? साक्षी जी, आपने सही कहा कि जो होलिका दहन की जो एक पौराणिक कथा है होली मनाने की, तो ये जो पुरानी जनरेशन है या हम लोग की जो जनरेशन है वहीं तक ये सीमित है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें अभी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके करीबी हैं, तो उनको फोन से फुर्सत नहीं है। दूसरी तरफ अपनी लाइफ में लोग बहुत पूरी तरह से मतलब बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को पौराणिक कथाओं से रूबरू नहीं करा पा रहे हैं। तो लोगों को, बच्चों को लगता है कि सिर्फ ये होली जो है रंगों का त्योहार है, क्यों मनाया जाता उन्हें नहीं पता है। जैसे कि जो भक्त प्रहलाद थे, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जो उनके पिता हिरण्यकश्यप थे, उनको ये पसंद नहीं था। उनको लगता था कि हमको सब भगवान माने, लेकिन खुद का बेटा प्रहलाद उनकी पूजा नहीं करता था। पिता मानता था, पिता के तौर पर वो पूजा उनकी करता था, लेकिन जो भक्त था विष्णु भगवान का था। तो इसको लेकर एक पौराणिक कथा यही है कि होलिका दहन में अपने मतलब अपने बेटे को मारने के लिए अपनी बहन होलिका से कहा कि प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को शंकर भगवान की तरफ से वरदान मिला था कि वो अग्नि में बैठती है तो वो जलेगी नहीं। लेकिन चूंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए वो अग्नि में नहीं जला और होलिका जली। तब से ये त्योहार मनाया जा रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो इस त्योहार को नहीं समझते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इन कहानियों से कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो बस आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि होली की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और क्या कहानियां, क्या कुछ कहानियां इसके पीछे रही हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मधुमिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल के जो युवा हैं, हमारे हमारे प्रदेश के, देश के युवा हैं,
उन पर ये जो होली का ये जो त्योहार है, पावन पर्व है, वो इस त्योहार को किस स्तर से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या उन पर भी ये बस रंगों का ही एक त्योहार रह गया है कि वो भी इसके पीछे की कहानियां जानते हैं? मतलब एक तरीके से जो चीजें हम लोगों ने अपने समय में देखी, क्या वो आजकल के जो युवा हैं वो भी इसको किस तरीके से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? साक्षी जी, मुझे लगता है कि ना आज के टाइम पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब अलग अलग स्तर पर बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। इवन तो हम लोग के टाइम पर होता था कि सिर्फ रंगों से ही खेलते थे, लेकिन आज के समय में जो युवा जनरेशन है वो खास प्रोग्राम रखते हैं, जैसे नाटक हो गया या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं जिसमें होली के साथ डांस या बड़े बड़े फंक्शन आयोजित होती है। तो ये बहुत ही अलग हो गया है हम लोग के टाइम पर, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पर, मतलब जितनी जनरेशन चेंज होती जा रही है, हर जनरेशन के हिसाब से त्योहार जो भी है अपने, वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये कहा जा सकता है कि जनरेशन वाइज जो चीजें हैं, त्योहार तो हमारे उसी तरीके से चले आ रहे हैं, पर जो मनाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं अपना एक नया रंग, नया स्वरूप, नए स्वरूप में ढलता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल साक्षी जी, क्योंकि जिस तरह से जनरेशन चेंज हो रही है, क्योंकि जनरेशन बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है, तो पुरानी चीजों को वो ना ही सुनना चाह रही है और ना ही लोग बताना चाह रहे हैं। तो एक तरीके से होली का जो ये जश्न मनाने का तरीका वो भी स्मार्ट हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले प्रोग्राम नहीं होते थे, अब तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, कई आयोजन होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं। हम लोग के टाइम पे या पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मधुमिता जी, तो क्या ये जो प्रेम और सौहार्द की जब हम बातें करते हैं, तो क्या ये आज भी जनरेशन में जो लोग हैं उनमें भी देखने को मिलती है कि बस वो वहीं पर अब सीमित हो चुकी है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, मगर खासकर ये भी है कि जो लोग थोड़ा बहुत मनमुटाव है लोगों में, तो आज के त्योहार के दिन होता है कि लोग आपस में मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जो मनमुटाव है वो कम हो जाता है। जी मधुमिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब हम प्रदेश स्तर पर बात करते हैं, यानी कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से होली जो मनाई जाती है वो काफी अलग अलग स्तर पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी जैसे कि मथुरा में की जो होली है वृंदावन की, उसको लेकर कहा जाता है कि वृंदावन की होली ना खेलियो तो के होली खेलियो। तो इस जगह में ऐसा क्या खास है कि यहाँ की होली में ऐसा क्या खास देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जो मशहूर होली है वो मथुरा की ही मानी जाती है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि राधा और कृष्ण एक यहाँ पर होली खेलते थे, ठीक है। और सबसे बड़ी जो इसमें पीछे की कहानी है, जो बरसाना क्षेत्र है यहाँ का, वहां पर एक रंगीली गली है जहां पर राधा कृष्ण होली खेलते थे, और लठमार होली भी यहाँ खेली जाती है। उसके पीछे भी हम आपको थोड़ा बता दें कि राधा और कृष्ण, जब कृष्ण जी राधा को पकड़ने जाते थे उनके साथ, तो राधा अपनी सखियों के साथ उनसे दूर होने के लिए लाठी डंडे का प्रयोग करती थी। तो इसी मान्यता के हिसाब से आज भी वहां पर लठमार होली चलती है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे जो मशहूर है वो मथुरा के बरसाना क्षेत्र की होली है मशहूर, और बाकी इलाहाबाद में, और पूरे देश की अगर बात करें तो राजस्थान के उदयपुर में बहुत ही भव्य तरीके से होली मनाई जाती है, क्योंकि वहां का जो उदयपुर राज परिवार है वो यहाँ शामिल होता है, और जो वहाँ का आलिशान बंगला है वहां पर होलिका दहन होता है, और फिर उसी होलिका के चारों तरफ लोग डांस करते हैं, लोग गीत गाते हैं। तो राजस्थान का जो उदयपुर में जो होली मनाई जाती है वो बहुत ही खास मानी जाती है, बाकी इलाहाबाद में भी है। उत्तर प्रदेश के कई जगह हैं जहां पर होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो जैसा कि ये होली के जो कई क्षेत्र हैं वहाँ अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है, और कुछ क्षेत्रों के बारे में मधुमिता जी ने हमें बताया भी कि उत्तर प्रदेश में मथुरा में वृंदावन में होली की इतनी क्यों खास मानी जाती है, और राजस्थान की बात करें तो वहाँ के बारे में भी इन्होंने बताया। अपनी अगली कड़ी में हम बात करेंगे शिवानी जी से और जानेंगे होली के कई विषयों पर कुछ अलग अलग तरह की बातें। शिवानी जी, रंगों की वर्षा हो, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें हो, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू हो, अपनों का प्यार, आप सभी को मुबारक हो होली का त्योहार। जी शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और शिवानी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार की होली में, हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में योगी सरकार है, और योगी सरकार ने इस बार क्या कुछ खास उत्तर प्रदेश के जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या खास तोहफे दिए हैं होली में, क्या उन्होंने क्या चीजों को आसान किया है? जैसे कि हर बार जब कोई त्योहार आता है तो बहुत सारी बातें सुनने और देखने को मिलती है, इस बार भी होली के समय में सुनने को मिल रहा है कि जैसे कि जल्दी जल्दी टिकट बुक करवा लो वरना बाद में बस में और ट्रेनों में कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, तो इस बार भी इन सब चीजों के लिए क्या व्यवस्था योगी सरकार ने की है? जी साक्षी जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस बार प्रदेशवासियों को राज्य सरकार ने 2 दिन बिजली मुक्त करने की सुविधा दी है कि अगर बिजली कटती है तो वो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर है 1912। ठीक है, इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं कि आप यहाँ की लाइट कट गई है। और उसके साथ साथ योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को घर आने जाने की सुविधाओं के लिए बस और ट्रेनों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अधिकतर क्या देखा जाता है कि बस और ट्रेनों में अधिकतर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें ट्रेनों का टिकट नहीं मिलता है, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिलता है। तो इसके लिए योगी सरकार ने बसों का संचालन किया है कि अधिक से अधिक बसें प्रदेश में चलाई जाएं, जिससे जो प्रदेश के बाहर नौकरी कर रहे हैं उनको आने जाने में असुविधा ना हो। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 2065 बसों का संचालन किया है। जी शिवानी जी, ये काफी इन्फॉर्मेशन भरी बात आपने बताई कि हाँ, मतलब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, लोगों को आने जाने में एक जगह से दूसरे जगह, लोग ज्यादातर नौकरी चाकरी के चक्कर में बाहर रहते हैं तो उन्हें आने जाने में सुविधा तो इससे काफी होगी। और फिर अगर शिवानी जी हम बात कर रहे हैं प्रदेश की भी, तो प्रदेश में इस बार की जो होली है उसमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? इस बार की जो होली है प्रदेश में किस तरीके से बेहतर होगी, क्योंकि ऐसा सुनने को और देखने को और ऐसा माना भी जा रहा है कि इस बार की जो होली है वो काफी बेहतर होगी हर बार से, तो ऐसा क्या खास वजह है इस बार की होली को बेहतर बनाने के लिए? जी साक्षी जी, आपने जैसा कहा कि प्रदेश सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सारे पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी, अगर उन्हें इमरजेंसी में छुट्टी लेना हो तो उन्हें छुट्टी दी जाएगी। तो शिवानी जी, ये तो रही बात सुविधाओं की, प्रदेश सरकार ने जो इस बार बदलाव किए हैं, कुछ बसें चलाई हैं, लेकिन जब हम प्रदेश की ही बात कर रहे हैं तो इस बार ये भी देखने को और सुनने को काफी मिल रहा है कि इस बार की जो होली है वो काफी बेहतर होगी, इस बार जो होली का रंग है वो काफी ज्यादा गहरा चढ़ेगा, तो मतलब इस बार का जो होली का ये त्योहार है किस तरीके से ज्यादा बेहतर और ज्यादा उमड़ कर सामने आएगा, इस पर क्या तैयारियां इस बार प्रदेश में की गई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि साक्षी जी ने आपने कहा कि प्रदेश में इस बार होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, और जो त्योहार है उसमें क्या खास होने वाला है, तो इस बार सुनने में आया है कि राम मंदिर, अयोध्या का जो राम मंदिर है वो बनकर तैयार हो जाएगा जून तक, सुनने में ऐसा आया है, क्योंकि राम भक्तों में काफी इस पर्व को लेकर उत्साह है और मंदिर बनने को भी लेकर काफी उत्साह है, इसी के चलते राम भक्तों ने इस बार की होली को बड़े ही धूमधाम से मनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी और क्या कुछ खास इस प्रदेश में देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं मथुरा वृंदावन की होली को भी ले लें और ये अयोध्या की होली को ले लें, और महिलाओं को की खास इंतजाम को भी क्या क्या कहा जा सकता है इस बार की होली में बेहतर किया जा रहा है? जैसा कि आपने कहा कि इस बार की होली को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में जितने सरकारी कर्मचारी उनकी छुट्टी भी रद्द कर दी गई है, पुलिस कर्मियों की खास कर तो ठीक है, उनको इमरजेंसी में छुट्टी दी जाएगी और महिला पुलिस कर्मियों की भी छुट्टी रद्द कर दी गई है, क्योंकि अब क्या होता है कि होली का रंग लगाने के लिए लोग अभद्र तरीके से रंग लगाने लगते हैं, इन सबका बचाव करने के लिए जो प्रदेश सरकार है वो तमाम पुख्ता इंतजाम कर रही है। शाहजहांपुर में दंगा फसाद ना बढ़े इसके लिए वहां के डीएम ने मस्जिद को कवर कर दिया है कि जिससे वहां पर मस्जिद के ऊपर कवर नहीं, मतलब जब रंग ही नहीं पड़ेगा तो आपस में दंगा फसाद नहीं होगा।
तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार ने इस बार की होली को काफी शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्द के साथ आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाई जाए और इसको लेकर काफी प्रयास किए हैं। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, पुलिस वालों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं, बस इसी वजह से कि आपस में कोई विवाद ना हो सके, किसी भी तरह की कोई अभद्रता किसी के साथ ना हो। और काफी ख्याल प्रदेश सरकार ने यहाँ की जो पुलिस है सुरक्षा बलों के द्वारा रखा जाएगा प्रदेश का कि इस त्योहार पर किसी भी तरह का विवाद ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये त्योहार आपसी प्रेम मिलन का ये त्योहार पूरा हो और प्रदेश में हर्षोल्लास बना रहे। समय के साथ करीब आती हुई ये रंग बिरंगी होली और आज इस होली के विषय पर ये मधुमिता जी और शिवानी जी के साथ हमारी चर्चा का समय समाप्त होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको अब इस होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी की तरफ से और आपसे आग्रह करेंगे कि इस बार की होली आप भी बिना विवादों और बिना कड़वाहट के एक दूसरे के साथ आपसी प्रेम भाव के साथ मिलकर मनाइए और प्रदेश और देश में होली के रंगों को कुछ इस कदर बिखेरिए कि इस बार की होली हर बार से और बेहतर होती चली जाए।